तो भाई एक बिल्डिंग में कितना काम, कितना मतलब कारीगर चाहिए मालूम है आपको? एक बिल्डिंग में टोटल 8 कारीगर चाहिए, ठीक है। उससे मेरे को 5 मालूम है और बाकी जो 3 है वो मैं बाहर में नहीं करता हूँ, घर पे करता हूँ थोड़ा थोड़ा। बाकी 3 क्या है आप लोग को पहले बोल देता हूँ। बाकी 3 हो गया प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन और पेंटिंग। ये जो है मैं घर में करता हूँ छोटा मोटा, और बाहर में करता हूँ नंबर 1 ताबुक, उसके बाद स्टील, उसके बाद शटरिंग, उसके बाद टाइल, उसके बाद प्लास्टर। ये जो 5 चीज़ है मैं बाहर में करता हूँ, ये मेरा नंबर 1 चलता है। और बाकी जो पेंटिंग हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया और प्लम्बर हो गया, ये बाहर में नहीं करता हूँ, मैं घर में करता हूँ, घर में छोटा मोटा कर लेता हूँ। और बाहर में अगर एक बिल्डिंग बनाने के लिए कितना मशीन चाहिए मालूम है? एक बिल्डिंग बनाने के लिए 8 मशीन चाहिए, 8 टोटल, 8 ऑल फिनिशिंग, 8 आदमी चाहिए, 8 मशीन मतलब 8 कारीगर। तो मेरे को 5 मालूम है और जो बाकी 3 है वो मैं घर का कर रहा हूँ, बाहर में नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब घर में। बाकी 3 क्या है, एक तो हो गया प्लम्बर और एक पेंटिंग और एक इलेक्ट्रिशियन। ये जो काम है मैं घर पे मतलब अपना जो काम है वो करता हूँ, लेकिन बाहर में इतना मतलब मालूम नहीं है, थोड़ा थोड़ा मालूम है, तो इसके लिए मैं घर में करता हूँ। आज जो बाकी जो 5 आइटम है वो बाहर में करता हूँ। 5 आइटम क्या क्या है आप लोग को बताएगा, इसको बनने दो पहले। नंबर वन किसको बोलते हैं मालूम है? ताबुक स्टिकर ईटा, ये पहले नंबर 1। 2 नंबर स्टील सरिया कम्बी रॉड, 3 चीज का नाम है। और 3 नंबर शटरिंग, शटरिंग मालूम है ना जो हम लोग लकड़ी का ऐसे ऐसे शटरिंग कर रहा है, वो 3 नंबर हो गया। 4 नंबर इलेक्ट्रिशियन, 5 नंबर
प्लास्टर, 6 नंबर टाइल, 7 नंबर खाँच मा देख एक तो ऑलरेडी हमारा बंदा हो गया, ठीक है। 7 नंबर प्लम्बर, 8 नंबर पेंटिंग।